गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस, आज हमारा टॉपिक है गिनना, काउंटिंग। सब्जेक्ट हमारा है हिंदी। ओके एवरीवन, तो गिनना गिनना, काउंटिंग काउंटिंग। अब यहाँ पे हमें क्या सीखनी है? काउंटिंग। हमारा है टॉपिक गिनो और पढ़ो, काउंट एंड रीड। गिनो और पढ़ो, काउंट एंड रीड। तो आपको गिनना है और साथ में पढ़ना भी, ठीक है? तो फर्स्ट हमारा पिक्चर है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए, उन्हें देखना है, फिर उन्हें काउंट करना है, वहाँ पर सामने किस तरह लिखा हुआ हमें देखना है। ओके एवरीवन, फर्स्ट पिक्चर है हमारा डक। डक मींस बतख। अब यहाँ पर हिंदी में एक लिखा हुआ है, इस तरह हिंदी में एक लिखते हैं, इंग्लिश में इस तरह लिखते हैं वन। और इनवर्ड यानी इसको शब्दों में कैसे लिखते हैं, तो एक 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 वन एक, इसे शब्द में एक इस तरह लिखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है टॉप यानी भमेड़ा, सॉरी लट्टू, इसे हम क्या कहेंगे? लट्टू। ओके, अभी हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? दो। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? टू। और हिंदी शब्द में हम कैसे लिखेंगे? दो। कैसे लिखेंगे? दो। और पढ़ेंगे भी कैसे? दो दो टू एंड दो। ओके एवरीवन, नेक्स्ट हमारी ये पिक्चर है बस की, ठीक है? किसकी? बस की। तो बस कितनी आप गिनो, वन टू थ्री, एक दो तीन। तो आपको इस तरह हिंदी और इंग्लिश दोनों में गिनना है, तो तीन, इसको हिंदी में तीन कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? थ्री। और शब्द में हमें इस तरह लिखना है, तीन तीन। नेक्स्ट अब ये क्या है? मेंढक, फॉग, मेंढक है। तो कितने हैं मेंढक? वन टू थ्री फोर। तो इंग्लिश में फोर इस तरह, अब हिंदी में कैसे काउंट करेंगे? तो एक दो तीन चार। तो इस तरह हिंदी में हमें चार बनाना भी सीखना है और लिखना भी सीखना है। और शब्द में कैसे लिखेंगे? चार चार। नेक्स्ट हमारी है, नेक्स्ट हमारी है खंजरी। तो देखो ये कितनी है आपको गिननी है, वन टू थ्री फोर फाइव। तो यहाँ पर इंग्लिश में फाइव। ओके, अभी हिंदी में कैसे काउंट करेंगे? तो वन एक दो तीन चार पाँच। तो इस तरह हिंदी में हम पाँच इस तरह लिखेंगे, इंग्लिश में फाइव। और शब्द में पाँच पाँच, इस तरह आपको लिखना है, हिंदी में भी सीखना है और इंग्लिश में तो आपको आता ही है। अब ये क्या है? पिजन। पिजन मीन्स कबूतर। तो कितने हैं आपको काउंट करना है? एक दो तीन चार पाँच छ छह। ओके, अभी इंग्लिश में कैसे काउंट करेंगे? तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो सिक्स। और शब्द में कैसे लिखेंगे हिंदी में? छ छह। ओके, नेक्स्ट हमारा है कुल्हाड़ी। ये क्या है? कुल्हाड़ी। तो इसे भी हमें गिनना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात। तो यहाँ पे सात लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, इसे क्या कहते हैं हम? सात। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो इंग्लिश में सेवन। ओके, सात, इस तरह आपको लिखना है, सात। नेक्स्ट हमारी है छड़ी। तो आपको गिनना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। तो इस तरह हिंदी में आठ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आठ। इंग्लिश में कैसे काउंट करेंगे? तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो इसे हम एट, इंग्लिश में एट कहते हैं और हिंदी में आठ। ओके एवरीवन, इस तरह आपको शब्द में लिखना है, आठ आठ। नेक्स्ट हमारा जो पिक्चर है वो किसका है? काइट मींस पतंग का है, ठीक है? तो हमको इसको भी काउंटिंग करनी है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। तो इसे नौ कहेंगे, हिंदी का क्या ही है? नौ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? नाइन। नहीं, इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? नाइन। और शब्द में कैसे लिखते हैं? नौ। हिंदी में शब्द में कैसे लिखेंगे? नौ।
इस तरह हिंदी में लिखेंगे, इस तरह इंग्लिश में नाइन कहेंगे और शब्द में लिखेंगे नौ। नेक्स्ट हमारी है स्पून मीन्स चम्मच, तो अभी इसे भी हमें गिनना है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, नौ दस, तो अभी यहाँ पर क्या लिखा है दस, तो इस तरह हिंदी में दस लिखते हैं। ओके नेक्स्ट हमारा फिर से इसे हमें इंग्लिश में गिनना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है टेन। अभी दस, हिंदी में इसे शब्द में कैसे लिखेंगे दस दस, इस तरह हमें ये जो गिनती है हमें लिखनी है। अब ये जो गिनती है हमारी हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश इनवर्ड, तो हिंदी में किस तरह एक, इंग्लिश में वन एक, दो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे टू, हिंदी में इसे लिखेंगे कैसे दो, तीन थ्री तीन, चार फोर चार, पाँच इंग्लिश में हम क्या कहेंगे फाइव, हिंदी में किस तरह लिखेंगे पाँच, छ सिक्स छह, सात सेवन सात, आठ एट आठ, नौ नाइन नौ, दस टेन दस, इस तरह आपको ये काउंटिंग आपकी हिंदी की नोटबुक में राइट डाउन करनी है और आपको लिखना भी सीखना है। नेक्स्ट एवरीवन हमारा है पढ़ो समझो और लिखो, पढ़ो समझो और लिखो, रीड अंडरस्टैंड एंड राइट, रीड अंडरस्टैंड एंड राइट। तो यहाँ पर आपको एक से लेकर दस तक गिनती दी हुई है, डॉट डॉट में आपको इसको लिखना भी है, पढ़ना भी है और बोलना भी है और समझना भी है। तो यहाँ से आपको डॉट डॉट को इस तरह ज्वाइन करना है, एक इस तरह दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, इस तरह आपको डॉट डॉट ज्वाइन करके आपको एक से लेके दस तक की गिनती लिखनी है और इसमें भरनी भी है। ठीक है एवरीवन, तो यहाँ पर ही आपका जो टॉपिक था गिनना काउंटिंग यहाँ पर आपका फिनिश होता है। इस तरह आपको आपकी हिंदी के शब्द के साथ आपको एक से लेके दस तक की गिनती लिखनी है। ओके एवरीवन, थैंक यू।